मैंने हमेशा से ही कहा हुआ है कि मैं नेतावादी हूँ, नेताजी सुभाष चंद्रवादी हूँ, मैं गांधीवादी नहीं हूँ। मैंने और इस करके मुझे काफी लोग काफी परेशान भी रहते हैं कि मैं इस तरह से बात करती हूँ, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा होती है। और मेरा मानना है कि नेताजी को और ऐसे कई क्रांतिकारियों के संघर्ष को, चाहे वो सावरकर जी हो, बिल्कुल डिनाय कर दिया था, बिकॉज एक पक्ष को ही दिखाया गया था, जो कि है कि मुझे एक चाटा मारो, दूसरा गाल में मैं आगे करूंगा। वो ही एक पक्ष दिखाया गया कि हमें जो है वो भूख हड़ताल करके या डांडी मार्च करके ही हमें आजादी मिली है। ऐसा नहीं है, कई लाखों लोगों ने खून बहाया है, और हम लोगों ने जो नेताजी ने जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में एक कैंपेन करके भारत की जो दुर्दशा है उस पर पूरी दुनिया की नजर लाई, चाहे उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में हिस्सा लिया, चाहे उन्होंने अपनी एक आर्मी बिल्ड की, उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, एंड उसके करके जो अंग्रेजों पे प्रेशर बिल्ड हुआ, फिर उन्होंने सत्ता जिसको दी वो उनका उनकी मर्जी थी, लेकिन नेताजी सत्ता के भूखे नहीं थे, नेताजी आजादी के भूखे थे, और उन्होंने देश को आजादी दिलाई। कर्तव्य पथ को कैसे आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे, किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे कर्तव्य पथ से? पाथ ऑफ ड्यूटी, पाथ ऑफ ड्यूटी इंस्टेड ऑफ, ये जो रास्ता है, ये हम लोग, ये रास्ता आने वाली कई पीढ़ियों, ये जो रास्ता है, ये आने वाली कई पीढ़ियां इस पे चलेंगी। तो अगर आप राजपथ रखेंगे तो वो वैसा रास्ता होगा, ये कर्तव्य पथ है। तो ये मार्गदर्शन है, इट इज सिंबॉलिक ऑफ सो मेनी थिंग्स, इंश्योरिंग दैट।